Sonam tigress with 3 small cubs. गुड मॉर्निंग। अभी सुबह के 6 बजने को है। अभी हमारी जिप्सी आती ही होगी। मोहरली गेट का सफारी है। वी आर वेरी एक्साइटेड, लेट्स सी, देखते हैं क्या क्या देखने को मिलता है। टाइगर्स वगैरह सब सुना तो है कोर जोन में, मोहरली के कोर जोन में बहुत सारे बढ़िया टाइगर्स हैं वहाँ पे, तो देखते हैं। अभी हम तेलिया लेक की ओर जा रहे हैं। कुटला लेक है? तेलिया। इतने बड़े घास के मैदान में टाइगर को ढूंढेंगे कैसे? ये बीच बीच में जो घास काटी है ना, ये यहाँ के वन कर्मचारी और मोहरली के गाइड्स ने मिलके काटी है। इसके 2 फायदे हैं। एक तो गर्मी के मौसम में अगर जंगल में आग लगे तो उसे ज़्यादा फैलने से रोका जाए, और दूसरा फ़ायदा विजिबिलिटी अच्छी मिलती है और टाइगर्स को देखने के चांसेस बढ़ते हैं। ये देखो, यहाँ है टाइगर। इतनी दूर से सिर्फ व्हाइट डॉट ही दिखाई दे रहा है। सोनम टाइग्रेस with 3 small cubs around 4 to 5 months. अरे ये तो तेलिया सिस्टर्स, जिन पे डिस्कवरी चैनल पर एक डॉक्यूमेंट्री देखी थी, ये उनमें से एक है। The world famous tiger sisters of Telia. Wow. My God. So happy to witness this incredible tigress with her cute cubs. आपको बता दूं, माधुरी नाम की एक बहुत फेमस बागिन है जिसके 4 शावक है, मोना, गीता, लारा और सोनम। ये सोनम उनमें से सबसे गुस्से वाले और डोमिनेंट है। अब इस पूरे इलाके में सोनम का ही राज है। शी इज़ द क्वीन ऑफ तेलिया लेक नाउ। बाघ के छोटे शावकों को देखना अपने आप में ही एक अद्भुत क्षण होता है। इनमें क्यूरियासिटी बहुत होती है, हर एक नई चीज़ को देखने परखने की, और हमेशा खेलने कूदने में ही लगे रहते हैं। कमाल के होते हैं ये बच्चे। हाँ दिख गया। आई जाओ ये तिघे एकत्र बसले दोन तीन दिवस झाले जरा आवड करणार दमली एक दोन मिनटात पिल्ला खेळत आहेत ते कदाचित बाहेर येतील ते तिघांचं चाललंय जाओ तो क्यों नहीं जाओ। ठीक है, अब जी भर के देख लिया इनको। अभी थोड़ा आगे जाके और एक्सप्लोर करते हैं। आगे जामनी लेक की ओर चलते हैं। वहाँ बिजली और उसके बच्चे दिखाई देते हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, वहाँ ब्लैकी यानी मेलानिस्टिक लेपर्ड भी दिखाई देता है कभी कभी। चल छोटे से पड़े तो वो देखो वॉच टावर के नीचे एक टाइगर दिखाई दे रहा है। शायद ये बिजली हो सकती है। अभी आगे पांडर पौनी की ओर चलते हैं, शायद वहाँ कुछ बढ़िया मिल जाए। पांडर पौनी आके माया और मटकासुर को याद न करे, ये तो हो नहीं सकता। अरे कौन आया? स्पॉटेड डियर का कॉल है। तुम्हाला दिसला? हे आयलंडच्या मागे मोर उडून गेला इकडे आला पाहिजे, पोहोचायला पाहिजे। रिबट है बहुत है। रिबट है कुबो कॉल कॉल कर रहा है। टाइगर पारी हां सर पारी वाला पारी हां यस तो चला बघा पारी ठीक है मैडम। वरती टॉपला पाडीवर पात्या बांधावर हां मेल टाइगर है पारीवरती। कोण आहे? मोगली का? मोगली हां एका वरती व्हाइट फुल दिसतो ना इकडे साइडला ते पुढचं टावर दिसतं का तुम्हाला? राईट, त्याच्या राईटला बघा तो थांबलाय त्या उंच सागाच्या झाडाला। ते बांधावर आलाय, बांधावर दिसला दिसला मोगली टायगर। बसला बसला नाही उतरला खाली बसला तो चुपचाप जाऊन तिकडे थांबून जाऊ तिकडे ते फांदी बागवली बघा सर त्यांनी आहे ना का आहे तेच आहे तो आता वरती येता तो वरती आला हे दिसतंय बघा हे का वरती आला थोडं तोंड दिसतंय। गवत खूप मोठा आहे ना तिथे। हां गवत मोठा आहे। अरे वाह मोगली का खाला फोटो तरी दिसतोय त्याचा हेड झाडावरती बघा झाडावरती झाडावर वरतीला सारखं स्प्रे केला तो त्याने वाला एरिया मार्किंग करतोय वरती बघतोय झाडाच्या तिथे येतो पानं हलतंय वरती बघतोय तो मार्किंग करतोय मोठा आहे ना, मोठा आहे. इकडे आला, इकडे आला चालला. कुठे पण पक्षी गेला ना, ग्रीन पॅच त्याच्यावरती बघ. इकडे चालला इकडेच आहे तो आला बस त्या झाडाजवळ. हा यस यस. अभी यहाँ पे मोगली नाम का टाइगर का साइटिंग हुआ है. अभी वहाँ से वो स्प्रे मार्किंग करते हुए, टेरिटरी मार्किंग करते हुए आ रहे हैं. अभी हम दूसरी तरफ जा रहे हैं जहाँ से वो आने की संभावना ज़्यादा है. तो देखते हैं कैसा होता है. वहाँ से वो शुरू हो गया, पारी से निकल रहा था, टेरिटरी मार्किंग हो रही थी उसकी. तो बंदर के और डियर्स के भी अलार्म कॉल्स हो रहे थे. तो शायद अभी ये वाटर बॉडी 2 पे आने की बहुत ज़्यादा संभावना है. तो हम लोग यहाँ पे रुके हुए हैं, देखते हैं क्या है. अभी अभी डियर का वापस कॉल आया है, देखते हैं. तिकडे एक नंबर वॉटर बॉडीवरून तिकडे येऊन राहिला होता, पोचला नाही अजून. का वाघे यहाँ हम कुछ देर रुके, लेकिन कुछ भी मूवमेंट या एक्टिविटी नहीं थी. तो अब हम आगे जा रहे हैं जहाँ वो पारी से होता हुआ रास्ता निकलता है वहाँ. हमारे गाइड का अंदाज़ा है यहाँ तो सब कुछ शांत है और मोगली तो शायद बैठा होगा अंदर ही कहीं. कितनी देर बैठेगा इसका कोई अंदाज़ा भी नहीं है. तो हम यहाँ से निकल के वापस सोनम के रास्ते से होके आगे गेट की ओर जाना चाहिए. क्लोजिंग टाइम हो रहा है और सोनम के बाहर आने के चांसेस हो सकते हैं. तो चलते हैं. अरे वो रही सोनम, इधर ही आ रही है. रोड द्यावा लागेल ना. तांबा हलू नका. अरे ये तो अंदर जा रही है. जैसे ही सोनम अंदर गई, दशरथ जी के कहने के अनुसार हमने जीप पीछे ली और वो जहाँ से निकल सकती है वहाँ जाके उसका इंतज़ार करने लगे. वो देखो, वो देखो, वो आई बाहर. हालू नका, हालू नका, हालू नका. ये शायद शिकार पर निकली होगी. आज का दिन तो बहुत बढ़िया रहा. हमारे तीसरी और मोहरली की आखिरी सफारी भी ज़बरदस्त रही. सोनम और बच्चों के फिर से दर्शन हुए और ब्लैकी भी दिख गया. और तो और मोगली और छोटी तारा भी दिखी, जिसकी एक छोटी सी झलक आगे देखिए. आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको दूसरे वीडियोस के अपडेट्स मिलते रहे. धन्यवाद. मस्त